हेलो दोस्तों जी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हमने की हुई है पैकिंग। पैकिंग इसलिए की है क्योंकि यार गर्मी इतनी हो रही है दिल्ली में, तो सोचा थोड़ा घूमने चले जाएं। घूमने के लिए हमने टैक्सी ले गाड़ी ले लिए हैं और उसके बाद चले हैं हम एयरपोर्ट पे। और क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक दिन ट्रेन में ख़राब करने से अच्छा है कि हम एयरप्लेन से चले जाएँ, जो हमारा टाइम भी बचेगा और हम ज़्यादा जगह घूम भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये है दिल्ली का एयरपोर्ट, ये देखिए कितना अच्छा है। और दोस्तों, इसमें अच्छे अच्छे रोड बने हुए हैं, हरियाली है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये IGI एयरपोर्ट है, तो इस पे हम जा रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर से ये बनाया हुआ है इन्होंने आर्मी वालों के लिए। तो हम उतर गए हैं गाड़ी से, तो ये है एयरपोर्ट बाहर से, ये देखिए कितना अच्छा है। और मैं खुश हूँ क्योंकि देखो मज़ा भी आता है, थोड़ी एकदम घबराहट सी भी होती है प्लेन में बैठने में। तो उसके बाद हम अब चेकिंग करवाएंगे, और इसके बाद हम चेकिंग करवाने के बाद जाएंगे अंदर। अंदर जाने के बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अंदर का। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, ये देखिए। और ये बाहर से मैं फिर दिखा रही हूँ एयरपोर्ट कितना बड़ा है। तो हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखो कितनी एयर इंडिया की फ़्लाइट खड़ी हुई है, खड़ी हुई है ये देखिए। और कितना बड़ा, मतलब इतने बड़े प्लेन पता नहीं हवा में कैसे उड़ते, मुझे तो खुद हैरानी है। तो दोस्तों, अब इसके अंदर जाएंगे तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि अंदर इसमें क्या क्या हमें मिला है और क्या क्या हमने इसमें के अंदर खाया और कैसा मुझे ये लगा। तो चलो जी चलते हैं। और यहाँ पे अलाव नहीं है थोड़ा सा, तो अब हम अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। और एंट्री करते करते मैंने थोड़ी सी आवाज़ रिकॉर्ड की थी, जो कि मेरी रिकॉर्ड अच्छे से हो नहीं पाई थी, तो मैं अब दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अब क्या करना है तो मैं दिखाती हूँ आपको प्लेन। तो ये है हमारा प्लेन, ये देखिए जी। और अब हम डायरेक्ट प्लेन के अंदर ही चले जाएंगे। तो ये एंट्री हो रही है यहाँ पे और ये बाहर का नज़ारा। जब तक मेरे एंट्री नहीं होगी तो मैं बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब एंट्री हो गई है। तो दोस्तों, अंदर से मुझे तो ये बस एकदम बस के जैसा लगा, मुझे कुछ अलग नहीं लगा, आप लोगों को मैं बता दूँ। तो ये देखिए सब बैठ चुके हैं, और मुझे तो गाड़ी में भी नींद नहीं आती, तो मुझे प्लेन में तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तो अब दिखा देती हूँ मैं बाहर से आपको कि हमारे प्लेन ने उड़ान भर चुके हैं। ये देखिए जी कितनी ऊंची हाइट पे हम आ चुके हैं, और नीचे बिल्कुल एकदम छोटे छोटे घर नज़र आप लोगों को आ रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जब घबराहट होती है तो आप अपने मन को थोड़ी तसल्ली दें, थोड़ा सा शांत रहिए। लेकिन ये एक बार उड़ान भरता है तभी थोड़ा सा घबराहट होती है, उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से जब सीधा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। और हम बादलों के ऊपर रहते हैं तो नीचे हम बादल देखेंगे, तो इतना मज़ा आ रहा था मुझे तो बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना साफ मौसम है और नीचे बिल्कुल बादल है, बादलों से ऊपर हमारा फ्लाइट उड़ रहा है। ये फ्लाइट उड़ रही है, देखिए जहाज हमारा उड़ रहा है, ठीक है। और मुझे तो अच्छा लगा था इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप पहली बार बैठे हो या दूसरी बार बैठे हो, कैसे भी, अरे जो बैठे हैं तो ठीक है। और इसमें हमें मिला है क्या ब्रेकफास्ट में, तो मैं दिखाऊँ क्योंकि हमारी सुबह की फ़्लाइट थी, तो मैं आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिला है। तो ये एक छोटी पानी की बोतल मिली है, और ये इसमें मैंने अभी खोला नहीं है, इसमें क्या है वो खुल जाएगा जब आप लोगों को पता चल जाएगा। और थोड़े मतलब फोक स्पून वगैरह है, और एक बिस्किट है, दो मतलब दो या तीन बिस्किट हैं। तो ये जब खोल लेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। ये नैपकिन हाथ साफ करने के लिए है, टिश्यू पेपर। और तो चलो मैं दिखाती हूँ इसको खोल के कैसा लग रहा है। और ये देखें तो ये मैंने रखा हुआ है, और आप लोगों से बातें करती हूँ। यहाँ भी रिकॉर्ड मेरी आवाज़ नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा थी प्लेन की। और ये देखिए इसमें है ये उपमा जो कि मसालेदार बनाया हुआ है, उसे खा के देखेंगे कैसा लगता। और इसमें साथ में मिले हैं हमें ये दो बिस्किट, ये देखिए ये दो बिस्किट मिले हैं। और चलो अब पूछते हैं। हाँ जी, मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो ये बोलते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है। पहले तो मतलब कैमरे पे थोड़ा कम आना होता तो थोड़ा सा गुस्से से देखते हैं, लेकिन उसके बाद हाँ बोल देते हैं। और ये देखिए अब मैं कर दूँ ब्रेकफास्ट शुरू। और जैसे भी आप भाई अपने हिसाब से, ये जितनी ऊंचाई पर हम उड़ते हैं उस हिसाब से, या कैसे भी अपना हिसाब से हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करवाते हैं या लंच होता है लंच करवा देते हैं।
तो दोस्तों ये देखो इतनी हाइट पे हमें नीचे का कोई घर भी नज़र नहीं आ रहे। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है प्लेन में बैठने का, मुझे तो अच्छा लगता है सही में बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किए हैं चीज़ें, तो आप लोग कुछ भी समझ सकते हो क्योंकि अच्छा। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग भी घूमें, मज़ा आए। और अभी लैंडिंग मतलब अब हम नीचे उतर रहे हैं, आप लोगों को बताऊँ तो ये देखिए धीरे धीरे करके कैसे प्लेन हमारा नीचे आ रहा है। और देखिए जब जब ये नीचे उतरेगा तब भी थोड़ी सी घबराहट होती है दोस्तों, और उसके बाद ये देखिए धीरे 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 करके ये नीचे होता जाएगा। और मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो वहाँ पे हम कम से कम 4 से 5 दिन के लिए स्टे करेंगे, 4 5 दिन वहीं रहेंगे। और वहाँ का क्या क्या नज़ारे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, वहाँ की क्या फेमस चीज़ें हैं, वो लोग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए जी प्लेन हो गया है लैंड, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल धीरे 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 करके ये रनवे पे आ चुका है, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ गया था दोस्तों, थोड़े झटके लग रहे तो कैमरा भी मेरा डामर डोल हो गया था, और इसके बाद धीरे धीरे करके ये रुक जाएगा। उसके बाद हम एयरपोर्ट्स पे उतरेंगे, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद चलेंगे, क्योंकि भाई पहली बार किसी शहर में हम जाते हैं तो अनजान शहर होता है, तो वहाँ पे थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, या पहले भी जानकारी किसी न किसी से लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो हमें यहाँ का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, आपको मैं बता दूँ तो हमारे यहाँ पे मतलब पैसे लगे ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। तो पहले तो हम अपना सामान निकालेंगे, उसके बाद हम बैठ बैठ गए टैक्सी में, टैक्सी में बैठेंगे जाएंगे हम श्रीनगर में। तो दोस्तों हमें ना यहाँ आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, और यहाँ पे इतनी सारी मिलिट्री फोर्स लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं इनको सलूट मारूँगी, ये देखिए, और इसके बाद चलेंगे फिर आगे। देखो बिल्कुल एकदम बैलेंस बनाते हैं ये, गाड़ियों का हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हो, और हर जगह आपको यहाँ पे मिलिट्री नज़र आएगी। तो ये देखिए ये है लाल चौक, ये देखिए, उसके बाद